अभी अभी एक मशहूर सिंगर को लेकर बुरी खबर सामने आई है जिसने फैंस को हिलाकर रख दिया। इतनी जल्दी ये सिंगर दुनिया को अलविदा कह जाएगा कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। सिंगर के जाने की खबर सुनते ही हर कोई शॉक्ड है। ये सिंगर कोई और नहीं बल्कि आशा भोसले को रुला देने वाला सिंगर दिलजान है। तेज रफ्तार ने पंजाब के मशहूर सिंगर दिलजान की सांसें छीन ली है। रात करीब 2 बजे अमृतसर में सड़क हादसे में दिलजान ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। दिलजान की कार की रफ्तार काफी तेज थी जिस कारण उनकी कार बेकाबू हो गई और रोड डिवाइडर से टकरा गई। कार डिवाइडर को तोड़ते हुए कई पलटियां खाते हुए लगभग 1 किलोमीटर दूर जाके गिरी और दिलजान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पंजाब के होनार गायकों में एक शुमार दिलजान का जन्म करतारपुर में हुआ था। उनके ऐसे चले जाने से पंजाबी संगीत जगत में मातम पसर गया। मात्र 31 साल की उम्र में दिलजान का यूं चले जाना उनके चाहने वालों को बड़ा घाव दे गया। दिलजान को संगीत मास्टर सलीम के पिता उस्ताद पूर्व शाहकोटी ने सिखाया था। वो रियलिटी शो आवाज पंजाबी दी में भी भाग ले चुके थे। पटियाला घराने से जुड़े दिलजान पाकिस्तानी रियलिटी शो सुर क्षेत्र में भी हिस्सा ले चुके हैं। वो इस प्रतियोगिता के ऑल ओवर रनअप भी रहते। सुर क्षेत्र प्रतियोगिता में उनके गीत को सुनकर मशहूर गायिका आशा भोसले की आंखों से आंसू निकल आए थे। दिलजान का ये नया गीत तेरे वर्गे 2 अप्रैल को रिलीज होने वाला था। इसी के चलते वो अमृतसर गए थे लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिलजान के जाने पर गहरा शोक प्रकट किया। कैप्टन ने कहा, उभरते गायक दिलजान के ऐसे चले जाने से मैं शॉक्ड हूं। पंजाबी गीतकार सचिन आहूजा ने भी शोक जताया। पंजाबी गायक सुखसिंदर सिंधा ने दुख प्रकट किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने दिलजान की फोटो शेयर करते हुए लिखा, ये दुर्भाग्यपूर्ण समाचार सुबह सुबह मिला, संगीत की दुनिया को नुकसान हुआ है। आपको बता दें, जहां एक तरफ लोगों को बीमारी खत्म कर रही है तो वहीं ये हादसे भी बढ़ते ही जा रहे हैं। चर्चित सीरियल अनुपमा का मशहूर स्टार पारस कलनावत बिल्कुल ठीक थे। रोज की तरह आज भी वो खुशी से शूटिंग पर गए थे लेकिन उस खुशी से वो वापस नहीं लौटे। उन्हें सेट पर जब बुरी खबर मिली उनकी हालत वहीं बिगड़ गई। दरअसल पारस ने आज होली के त्योहार के दिन अपने पिता को खो दिया। वो सीरियल की शूटिंग में बिजी थे और जब उन्हें खबर मिली उनके पापा को हार्ट अटैक आया तो वो भी 2 मिनट के लिए सदमे में चले गए। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि सुबह सुबह पारस ने अपने पिता से फोन पर बात की थी, तब उनके पिता बिल्कुल ठीक थे। अचानक निधन की खबर से एक्टर भी सदमे में है। बताया जा रहा है कि एक्टर के पिता को उस वक्त हार्ट अटैक आया जब वो लिफ्ट में थे, वो वहीं गिर गए। लोग घबरा गए कि आखिर सही सलामत इंसान को क्या हो गया। तभी माँ ने फौरन बेटे को फोन पर जानकारी दी। जब तक पारस के पापा को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक बहुत देर हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया। ये बात सुनकर पारस कलनावत सेट से सीधे हॉस्पिटल पहुंचे। पारस के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनके पिता चल बसे। ये बात जानकर पारस को सदमा लग गया। उसी दौरान पारस के साथ उनके को स्टार रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे भी हॉस्पिटल पहुंचे। कई स्टार्स ने हॉस्पिटल पहुंचकर पारस को सपोर्ट किया। आपको बता दें, पारस कुछ दिनों पहले ही खतरनाक बीमारी के भी शिकार हो चुके हैं। वही सीरियल अनुपमा की बात करें तो इस समय सीरियल में होली का ट्रैक चल रहा है। अब तक की कहानी में आपने देखा कि अनुपमा भांग पीने के बाद अपने होश खो बैठती है, जिसके बाद अनुपमा पूरे घर में जमकर हंगामा मचाती है। इतना ही नहीं, अनुपमा अपनी सौतन काव्या को भी जमकर खरी खोटी सुनाती हैं। अनुपमा का यह हाल देखकर वनराज का गुस्सा खौल जाएगा। पारस भी अनुपमा के साथ खूब होली खेलते हैं लेकिन पिता की खबर ने पारस की होली बिगाड़ दी है। टोनी का चर्चित सीरियल जीजा जी छत पर कोई है फेम एक्ट्रेस हिबा नवाब को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है। हिबा की शूटिंग सेट पर तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि शूटिंग को बंद करना पड़ गया। हिबा को बार बार चक्कर आने लगे, वो बेहोश होकर नीचे गिर गई, जिसके बाद मेकअप और टीम के लोग घबरा गए और फौरन उन्हें अस्पताल लेकर भागे। होश आने के बाद हिबा नवाब ने जो वजह बताई वो सुनकर हर कोई शॉक रह गया। दरअसल हिबा सीरियल में एक साथ 2 रोल कर रही है। एक तरफ जहाँ वो हिबा सीपी बनकर दर्शकों को हंसाने का काम करती है तो वही दूसरी तरफ प्रेतात्मा बनकर सीरियल में हॉरर और सस्पेंस भी पैदा करती हैं। हालांकि सीरियल में 2 किरदार बिल्कुल अपोजिट निभाने की वजह से हिबा पर काफी प्रेशर पड़ा है, जिसकी वजह से अभी कुछ दिन पहले सीरियल की शूटिंग को रोकना पड़ गया।
हीवा नवाब ने बताया कि सीरियल में दो किरदार निभाना मेरे लिए मुश्किल पड़ता है और अभी पिछले कुछ दिनों से तो मैं लगातार शूट कर रही थी। दूसरा, जब आप कोई सस्पेंस वाला किरदार निभाते हैं तो उसके ट्रीटमेंट में काफी वक्त लगता है, तो बस ज्यादा मेहनत करने की वजह से कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। शूटिंग की वजह से हीवा अपने खाने पीने और नींद पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। उनकी आंखों में स्वेलिंग भी देखी जा रही थी, साथ ही उनके हाथ पैरों में सूजन भी आ गई थी, जिसकी वजह से शूटिंग भी रोकनी पड़ गई थी। लेकिन अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, ऐसा हीवा ने कहा। मैं एक एक्टर के तौर पर इस प्रेतात्मा वाले किरदार को अपने करियर के लिए अच्छा मानती हूँ। मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि जब आपकी मेहनत को दर्शकों का प्यार मिलता है तो फिर आपको वो मेहनत ज्यादा ही अच्छी लगने लगती है, इसलिए मैं अपने दोनों किरदारों से खुश हूँ। विद्या बालन की फिल्म भूल भुलैया से सीरियल की तुलना पर बात आने पर हीवा कहती हैं कि हाँ, मैं ये जानती हूँ कि दोनों प्रेतात्माएं गाने पर नाचती हैं, घर में घूमती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मेरा जो प्रेतात्मा वाला किरदार है वो विद्या बालन से काफी अलग है, जो आपको सीरियल में आगे पता चलेगा। जीजा जी सीजन 2 में एक्टर निखिल खुराना सीरियल का हिस्सा नहीं है और इस बारे में बात करते हुए हीवा कहती हैं, ऑफिशियली तौर पर मैं कुछ नहीं जानती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर्स को इस बार सीरियल में नई लव स्टोरी चाहिए थी, इसलिए सीजन 1 में दर्शकों को मेरी और निखिल की केमिस्ट्री काफी पसंद आई थी, लेकिन डायरेक्टर चाहते थे कि सीजन 2 में नई केमिस्ट्री दर्शकों को देखने को मिले, फिर चाहे वो लड़ाई करें या फिर प्यार। वेल, आपको हीवा का किरदार कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएं। टीवी का चर्चित सीरियल छोटी सरदारनी के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर हर किसी को झटका लग सकता है। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे कि आपकी पसंदीदा एक्टर महर जी यानी निमृत कौर कहाँ गायब हो गई, वो अचानक शो छोड़कर क्यों चली गई। सीरियल छोटी सरदारनी से महर यानी निमृत कौर अपने फैंस की पसंदीदा एक्ट्रेस बन चुकी हैं, लेकिन अचानक इस शो में दूसरी महर की एंट्री ने फैंस को निराश कर दिया और गुस्सा भी कर दिया। लेकिन जब लोगों को वजह पता चली तो हर कोई निमृत कौर को लेकर दुआएं करने लगा, चिंता भी की जा रही है। दरअसल हमारी छोटी सरदारनी ने ऐसे ही ये शो नहीं छोड़ा है, बल्कि बड़ी मजबूरी की वजह से वो ये शो छोड़कर चली गई हैं। जी हाँ, छोटी सरदारनी काफी दिन से अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, उनकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी, जिसकी वजह से महर जी को अचानक सेट छोड़कर होम टाउन भागना पड़ा। जी हाँ, महर जी इस वक्त अपने होम टाउन चंडीगढ़ में हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। फैंस के गुस्से के बाद महर ने खुद अपना स्टेटमेंट दिया, मतलब महर ने पूरी तरह से ये शो नहीं छोड़ा है, इसलिए फैंस को घबराने की जरूरत नहीं है, महर जल्दी ठीक होकर शूटिंग पर लौटेंगी। महर ने बताया कि मैं छोटे ब्रेक पर घर आई हूँ, पहले से अच्छा महसूस कर रही हूँ, लेकिन पूरी तरह ठीक होने के बाद शूटिंग पर आऊंगी। वही दूसरी तरफ लोगों को खतरनाक बीमारी की आशंका भी लग रही है, कहीं महर जी इस बीमारी की चपेट में तो नहीं आ गई है, जिसकी वजह से उन्हें अचानक ये शो छोड़ना पड़ गया।